नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने चैनल OMG में। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका डिफरेंस बिटवीन की सीरीज में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनो एंड स्टीरियो साउंड सिस्टम। शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि बहुत से अच्छे अच्छे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सके। बात करते हैं मोनो और स्टीरियो साउंड्स की। दोनों ही जो है वो साउंड सिस्टम के टाइप्स है, जो कि हम हमारी डेली लाइफ के अंदर सुनते रहते हैं। बात करते हैं मोनो साउंड की। मोनो मतलब कि सिंगल, तो मोनो ऑडियो मतलब कि सिंगल चैनल से हमारा जो है वो ऑडियो आ रहा है। मोनो के अंदर जो भी साउंड आता है, जो भी ऑडियो आता है, वो एक ही चैनल से आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि हम कोई मोनो साउंड ऑडियो सुन रहे हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो आपके राइट ईयर के अंदर जो साउंड आ रहा है, वही आपके लेफ्ट ईयर में भी आ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो स्पीकर्स हैं, वो एक सिंगल चैनल ऑडियो फाइल को ही दोनों कान के अंदर, दोनों स्पीकर्स के अंदर प्ले करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके लेफ्ट ईयर के अंदर तो ड्रम्स बज रहे हैं और राइट ईयर के अंदर गिटार आ रहा है। जो भी है आपके सामने है, तो आपके जो साउंड है वही दोनों को दो चैनल्स के अंदर कन्वर्ट करके आपको भेज देता है। हमारे जो आईफोन्स आते हैं, उसके अंदर भी हमारा जो साउंड सिस्टम कैप्चर करता है, वो भी मोनो ऑडियो मतलब कि सिंगल ऑडियो के अंदर ही करता है। बात करते हैं स्टीरियो ऑडियो की। स्टीरियो मतलब कि इसके अंदर टू चैनल्स आ जाते हैं। स्टीरियो के अंदर हम जो साउंड है वो लेफ्ट और राइट दोनों से अलग अलग सुन सकते हैं। इसके अलावा कोई ऊपर से नीचे से, दाएं से ऊपर से नीचे से नहीं आने वाले। तो हमारा जो म्यूजिक है, जो हम स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स पे जो हम देखते हैं, उसके अंदर स्टीरियो मिक्स होता है। मतलब कि आप ऐसा देखते हैं कि एक कान में तो आपके ड्रम्स सुनाई दे रहा है और दूसरे कान में आप ऐसा सुनते हैं कि एक कैरेक्टर का सेंस जो वहां से लौटते हुए आ रहा है, वॉकिंग करते हुए आ रहा है, वो आप लेफ्ट के अंदर देख सकते हैं। तो अब इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। पहला डिफरेंस है हमारा, मोनो की फुल फॉर्म होती है मोनारुअल या फिर मोनोफोनिक साउंड, और स्टीरियो की फुल फॉर्म होती है स्टीरियोफोनिक साउंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हमारा। मोनो के अंदर जैसा कि हमने देखा था, इसके अंदर एक ही चैनल होता है, इसी से ही हमारा ऑडियो आता है और एक ही चैनल से हमारा ऑडियो जाता है। स्टीरियो के अंदर हमारे पास दो या उससे ज्यादा चैनल्स होते हैं, तो उनसे ही हमारे जो ऑडियोज आते हैं वो आते हैं और हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोनोफोनिक साउंड्स हम ऐसे सुनते हैं जैसे कि वो किसी एक ही चैनल से आ रहे हो, मतलब कि किसी एक ही पोजिशन से आ रहे हो और हमको सुनाई दे रहे हो। जबकि स्टीरियोफोनिक के अंदर क्या होता है, हमको ऐसा लगता है, हमको एक ऐसा इल्यूजन होता है कि वो जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब कि एक लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, एक सामने से आ रहा है, तो हमको मल्टीपल चैनल से ऑडियो सुनाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोनो साउंड्स जो होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर केवल सिंगल माइक की जरूरत होती है और कोई ऐसा टफ नहीं होता है इसको रिकॉर्ड करना। जबकि स्टीरियो के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर दो तो माइक ही लग जाते हैं और फिर टेक्निकल नॉलेज भी हमको चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोनो को जो रिकॉर्ड करना होता है वो बहुत ही इजी होता है और इसके अंदर हमको केवल बेसिक इक्विपमेंट्स और नॉलेज की जरूरत होती है। जबकि स्टीरियो के अंदर हमको इक्विपमेंट्स तो चाहिए ही बहुत सारे, मतलब कि कम से कम दो माइक तो चाहिए ही और भी बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होता है। इसी के साथ साथ हमको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको उसकी पोजीशन, उसके इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स के, तो उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोनो के अंदर हमारे जो ऑडियो सिग्नल्स है वो पूरा का पूरा एक सिंगल चैनल से ही होके आता है, जबकि स्टीरियो के अंदर यही ऑडियो सिग्नल्स जो है वो दो या फिर दो से ज्यादा चैनल्स या डायरेक्शन से हमको ऐसे लगता है कि आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोनो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? मोनो को रिकॉर्ड करने के लिए हमको एक सिंगल माइक्रोफोन चाहिए होता है, तो इसको रिकॉर्ड करके आप सिंगल चैनल ऑफ ऑडियो से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसी को ही अगर आप रिकॉर्डिंग को प्ले करेंगे, तो आप एक सिंगल स्पीकर या फिर पेयर ऑफ स्पीकर से इसको सुन सकते हैं।
जबकि स्टीरियो को जब आप कैप्चर करते हैं तो आपको कम से कम 2 माइक्रोफोन्स की जरूरत होती है रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको उसको लेफ्ट और राइट दोनों के लिए अलग अलग प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोनो को अगर हम स्टीरियो सिस्टम के अंदर प्ले करेंगे तो क्या होगा। तो आपको ड्यूअल मोनो सुनाई देगा, मतलब कि आपको जो दोनों स्पीकर्स हैं उनके अंदर सिंगल साउंड ही सुनाई देगा, सेम साउंड ही सुनाई देगा। तो ये क्या करता है, सिंगल चैनल को ही डुप्लीकेट कर देता है ऑडियो को, और वही आपके लेफ्ट और राइट स्पीकर्स के अंदर भेज देता है। जबकि स्टीरियो साउंड के अंदर क्या होता है, जब आप उसको मोनो साउंड से सुनेंगे तो वो आपको मोनो साउंड जैसा ही फील करवाएगा, मतलब कि एक ही चीज अगर आप कान से सुनेंगे तो वही हमको सुनाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोनो साउंड जो होते हैं उनको हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम, रेडियो टॉक्स जो शो होते हैं उनके अंदर, हियरिंग एड, टेलीफोन और मोबाइल कम्युनिकेशंस और कुछ AM रेडियो स्टेशंस के ऊपर यूज करते हैं। जबकि स्टीरियो साउंड्स को हम जो मूवीज देखते हैं, टेलीविजन्स के ऊपर जो आते हैं सीरियल्स, म्यूजिक प्लेयर्स, FM रेडियो स्टेशंस, इनके ऊपर हमारे यूज में आते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस मोनो और स्टीरियो साउंड सिस्टम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि बहुत से अच्छे अच्छे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर बताएं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।